हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे स्पाइडरमैन के ऑफिशियली फर्स्ट लुक के बारे में और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड वो है स्क्रिप्टिंग को लेकर। तो फिलहाल मार्वल स्टूडियो के अंडर फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है कि इस मूवी को कैसे इंट्रोडक्शन कराया जाए एमसीयू के अंडर। एंड उसी के साथ सेकंड अपडेट आया था इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि इसके कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम चल रहा है, यानी कि इसकी कॉस्ट्यूम कि हीरोज हमारे एक्चुअल में कैसे लगेंगे जब वो एमसीयू के अंडर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर पूरी कॉस्ट्यूम पहनेंगे और देन उनको कैसे कैसे धीरे धीरे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। उसी के साथ जब ये अपडेट आया था तो तीसरा रूमर ये आया था अपडेट के साथ कि जेनिफर लॉरेंस को इस मूवी में कास्ट करा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेनिफर लॉरेंस वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्समैन मूवी में मिस्टिक का कैरेक्टर प्ले करा है। और तो एंड इस रूमर के साथ एक और रूमर यह है कि जेनिफर लॉरेंस शायद पॉसिबली प्ले कर सकती हैं सूजम स्टॉर्म का, जो कि इनविजिबल मूवमेन है। तो गाइस जैसे कोई कंफर्मेशन अपडेट आएगा इनकी कास्टिंग को लेकर मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसके साथ अगला अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटिव। तो डॉक्टर स्ट्रेंज में पुराने वाले स्पाइडरमैन मूवी के कंपोजर को लिया गया है। जी हाँ, अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ऑफिशियली म्यूजिक देने वाले हैं जिनका नाम है डैनी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि डायरेक्टर और कंपोजर दोनों अब एक साथ हैं एमसीयू में। उसी के साथ अगला अपडेट है कि ब्रूस भी इस मूवी में कास्ट करे गए हैं। इस टाइम वो लंदन में शूट कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। और आपको बता दूं कि ये स्पाइडरमैन मूवी में आपने ये वाला सीन देखा भी होगा। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको और भी अपडेट जानने हैं एमसीयू से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत पता चल जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले डेजी, जो कि स्टार वॉर्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर चुकी हैं, उनका इंटरेस्ट है कि वो सोनी यूनिवर्स में स्पाइडर वूमेन का कैरेक्टर प्ले करें। जी हाँ, ऐसे रूमर आ रहे हैं कि वो उनका इंटरेस्ट है कि वो उस कैरेक्टर को प्ले करें, पर कोई भी अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है। उसी के साथ अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट के बारे में। तो फिलहाल आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो स्पाइडरमैन के ऑफिशियली लुक रिलीज कर दिए गए हैं जिसमें कि टॉम यानी कि हमारा पीटर, एमजे और नेट तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और तीनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो शेडो आ रही है एमजे की कोट पर, सामने बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े हुए हैं। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ स्पाइडरमैन के कुछ टाइटल भी रिवील्ड करे गए। तो आपको बता दूं कि टाइटल आज ही 24 तारीख को 2 घंटे बाद रिलीज होने जा वाला है, यानी कि ये वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा मुझे पता नहीं है, पर 2 घंटे बाद रिलीज होने वाला है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, पूरी मिनट प्रॉपर टाइमिंग लगा रखी है। उसी के साथ आपको एक कोर्ट रूम सीन भी देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन मूवी में, तो यानी कि स्पाइडरमैन अदालत में भी जाने वाला है। देन उसी के साथ आज मॉर्निंग में टॉम हॉलैंड ने, नेड ने और एमजे ने तीनों ने फेक टाइटल रिवील करे सिर्फ ऑडियंस को हाइप करने के लिए, क्योंकि आज टाइटल रिलीज होने वाला है ऑफिशियली। तो देखते हैं कि कौन सा टाइटल होगा और देन मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टाइटल से सारी चीज़ें रिवील हो सकती हैं। उसी के साथ आपको एक और अपडेट देते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से रिलेटेड। तो आपको अडल्ट ग्रुट देखने को मिलने वाला है, डायरेक्टर जेम्स गन ने कन्फर्म कर दिया है। और उसी के साथ एक और अपडेट है बहुत ही कमाल का, तो आपने एनिमेशन बिग हीरो 6 देखी होगी, बहुत ही कमाल की मूवी है। तो उसके लाइव एक्शन वर्जन आपको यानी कि कैरेक्टर आपको एमसीयू में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे रेफरेंस भी हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे मेरे देखने को। और डायरेक्टर जेम्स गन ने एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल जो टीवी सीरीज आ रही है डिज्नी प्लस पर, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 का एक प्रिक्वल होने वाला है। और आई एम ग्रूट जो आने वाली है वो एक एनिमेशन होने वाली है जो कि सिर्फ ग्रूट पे आधारित होगी। तो गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।